ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये सब पढ़ लिया, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस भी देख लिए, उनको समझा, और इम्पैक्ट पैरामीटर और हमने ये भी पढ़ लिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बारी आती है रदरफोर्ड के मॉडल को समझने की, कि रदरफोर्ड ने क्या मॉडल सजेस्ट किया। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्या उन्होंने मॉडल सजेस्ट किया और इन सजेशंस के पीछे क्या रीजंस थे, क्यों वो इस मॉडल के ऊपर आए, वो अब हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सो पहले हम रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम मान के ये चलेंगे कि हमने 100 अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए, ठीक है। आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव 2 चार्ज के होते हैं, 2+ +2e के होते हैं, वो गोल्ड की फॉइल या न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड करते हैं और फिर स्कैटर होते हैं, और किस तरह से होते हैं वो यहां दिख रहा है, मैं समझाती हूं आपको। सो 100 अल्फा पार्टिकल्स मान लो हमने एक साथ बम्बार्ड किए। अब ये जो 100 अल्फा पार्टिकल्स हैं, हम उनको मेनली 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं इनकी स्कैटरिंग के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा 100 में से, ये देखो ये ध्यान देने वाली बात है, 100 में से कोई 70-75 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वो सीधा निकल जाएंगे। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी फिलहाल जो समझा रही हूँ वो देखिए। सो 70-75 100 में से ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो सीधा निकल जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां पर कोई और न्यूक्लियस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई 24 100 में से, है ना, कोई 24 कर ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो जाते तो जाते हैं सीधा, लेकिन हल्का सा रास्ता बदलते हैं। जाना तो उन्होंने इस लाइन पर था, ये डॉटेड लाइन पर जाना था, लेकिन हल्का सा उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। इस थीटा को हम बुलाते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यानी कितने से उन्होंने अपना रास्ता बदला है, और ये इन 24 के लिए 90 डिग्री से काफी कम होता है, कोई 10, 20, 30, 40 ऐसे एंगल्स पर वो अपना रास्ता बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये सेकंड कैटेगरी की। ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन्होंने भी ऐसे ही सीधा जाना था, लेकिन कुछ हुआ इनके साथ कि ये बहुत ज्यादा रास्ता बदल लिया इन्होंने। आप इनका और फर्क देखोगे कैटेगरी नंबर 3 कैटेगरी नंबर 2 में, अगर आप फर्क देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कैटेगरी नंबर 1, ये जो 3 है, ये हल्का सा रास्ता बदली है, यहां जाना था यहां पहुंच गई, इन्होंने यहां जाना था रादर बड़ा पीछे पहुंच गए। एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा बन जाता है, 90 से काफी ज्यादा बन जाता है, इन्होंने रास्ता बहुत बदल लिया, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने हैं, 100 में से हार्डली कोई 5 होंगे अल्फा पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा रास्ता जिनको बदलना पड़ा, ठीक है। और 100 में से शायद ही कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा, शायद एक, वो भी शायद बोल रहे हैं, ये एकाधी कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो जाना चाहता था सीधा, लेकिन पूरा पलट के पूरा घूम जाता है, रिबाउंड होता है, यानी उसका जो एंगल है स्कैटरिंग का वो है 180 डिग्री, ठीक है। सो दोबारा से अगर इसको देखें तो 100 में से तकरीबन 70-75 अल्फा पार्टिकल्स कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधे निकल जाते हैं, वो स्कैटर ही नहीं होते, उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0। 24 के आसपास के अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हल्का हल्का स्कैटर होते हैं, हल्का सा रास्ता बदलते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा 90 डिग्री से कम होता है। 4-5 के आसपास ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जिनको बड़ा ही फर्क पड़ा और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से अपना रास्ता बदला, एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 डिग्री से ज्यादा। और शायद 100 में से एक आधी कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जिसकी एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री बनती है, यानी वो जिस रास्ते पर आया बेचारा चुपचाप पलट के उसी रास्ते पर निकल लिया, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड ने कैसे एनालाइज किया, कैसे समझा, ठीक है। अब हम वो उनका जो समझने का प्रोसीजर है वो हम यहां पर देखते हैं। पहली कैटेगरी लेते हैं, ये पहली चौथी वाली कैटेगरी लेते हैं। बोला कि 70 आउट ऑफ 100 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिना मुड़े तुड़े निकल गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर आप बिना रास्ता बदले, जरा सा भी बिना रास्ता बदले सीधा निकल रहे हैं, तो रास्ता भरा हुआ है या खाली है? आप क्या, आपका जवाब क्या होगा? नेचुरली अगर भरा होता तो आपको छोटा मोटा अपना रास्ता बदलना पड़ता। अगर आप सीधा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर काफी सारी खाली जगह है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, है ना। सो एक इनको समझ में आया, एक चीज इनको समझ में आई कि बहुत सारी लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर, एक चीज इनको ये समझ आई, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या समझ आई कि हाँ, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मुड़ भी रहे हैं, 25, 26, 30 पार्टिकल्स मुड़ भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुड़ने में भी अगर देखें तो मैक्सिमम पार्टिकल्स बहुत हल्के हल्के मुड़ रहे हैं। ये देखो नंबर 3 कैटेगरी वाले बहुत हल्के हल्के, और इनके नंबर ज्यादा है ना, तो ये बहुत हल्के से मुड़ रहे हैं, और जो मुड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से उनका नंबर काफी कम है, ठीक है। अब इसमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात, कोई पार्टिकल अगर अपना रास्ता छोड़ के जा रहा है तो उसको आगे अट्रैक्शन मिल रही है या रिपल्शन मिल रही है? नेचुरली अगर उसको अट्रैक्शन मिल रही होती तो वो और आगे जाता, नीचे की तरफ आता। अगर वो पलट के जा रहा है, इसका मतलब उसको मिल रही है रिपल्शन, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब जो सामने रिपल्शन दे रहा है वो भी, वो जो पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। सो ये दूसरी बात समझ में आई। पहली बात समझ में आई, बहुत सारी खाली जगह है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। दूसरी बात समझ में आई, जो पार्टिकल रिपेल कर रहा है, रिपेल जो कर रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। एक बात ये भी समझ आई। एक चीज यहां से और समझ आई कि रास्ता ये पार्टिकल नहीं बदल रहा, रास्ता बार बार अल्फा पार्टिकल ही बदल रहा है। ये इसने एक बार भी रास्ता बदला ऐसा हमें समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास अगर इन दोनों में देखें तो इसका मास बहुत ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल इसके सामने बड़ा ही हल्का फुल्का सा पार्टिकल है जिसको डरा धमका के उसने रास्ता बदलवा दिया और खुद यहीं पर बैठा रहा। तो ये चीज एक और समझ में आती है इस पार्टिकल के बारे में कि हैवी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के मुकाबले तो काफी हैवी है। सो कैसा कैसा पार्टिकल समझ में आ रहा है? एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा बहुत हैवी है। एक चीज और समझ में यहां से इन्हीं से आती है कि इसका साइज छोटा है। अब आप बोलेंगे साइज क्यों छोटा है? आप इमेजिन करो कि अगर इसका साइज बड़ा होता तो ये पार्टिकल्स भी पीछे पलट जाते, 180 डिग्री पर पलट जाते, और ये वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पलटते, है ना। तो ये साइज बड़ा होता तो ये 24, 5, 1, ये जो ये पार्टिकल्स हैं इनका नंबर ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। ये एक ही पार्टिकल शायद 100 में से 180 डिग्री पर पलट रहा है, इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन में सिर्फ एक आधी पार्टिकल जा पाता है, और वो तभी हो सकेगा जब साइज क्या है, छोटा है। तो ये जो पार्टिकल है इसका साइज हमको समझ में आया बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इन तीन चीजों को जब जोड़ा तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब बीच में एक कोई बहुत छोटा सा हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बैठा है जो मेरे आने वाले अल्फा पार्टिकल्स को बुरी तरह से रिपेल कर रहा है, और उसके आसपास की जो जगह है वो काफी सारी खाली है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ आई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब, अब यहां पर वो अपना मॉडल ड्रॉ करने लगे तो उन्होंने कहा एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लेकिन बहुत हैवी है वो यहां पर बैठा है और आसपास उसकी जगह क्या है, खाली है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड को एक चीज और समझ में आई कि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर तो पूरा मटेरियल भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड को पता था कि मेरा जो एटम है वो न्यूट्रल होता है,
एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बिकॉज एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी, है ना। तो इसका मतलब अगर बीच में हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उतना ही नेगेटिव इसके आसपास होना चाहिए, बेशक दूर दूर हो लेकिन इसके आसपास होना चाहिए। और यहां पर उनको इंस्पिरेशन मिली, उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा हेल्प लिया सोलार सिस्टम से, और उन्होंने बोला कि यार ये सोलार सिस्टम की तरह बन गया कि बीच में बहुत ही हैवी, बहुत ही एनर्जेटिक एक सन है और उसके चारों तरफ ऐसे गोल घेरे में ऑर्बिट्स में जो है वो जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, यहां भी कुछ घूमेगा। क्या घूमेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए, देखो ना एटम हमको न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल का मतलब है कि पॉजिटिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और ये उन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब बाहर इन ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये बन गया सबसे बेसिक मॉडल जो आपने सबसे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये बोला गया देयर इज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी बट वेरी स्मॉल साइज न्यूक्लियस, नाम उसको न्यूक्लियस दिया रदरफोर्ड ने, एंड क्योंकि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जितना पॉजिटिव जितना प्रोटॉन अंदर होगा एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और बीच की काफी सारी जगह खाली है, इसलिए 70 आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, वो इन रास्तों से बिना डिफ्लेक्ट हुए बिना स्कैटर हुए निकल जाते थे। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल ये बन गया था, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस या इसकी डिसएडवांटेजेस जो रदरफोर्ड नहीं समझा सके, ठीक है। सो एटॉमिक मॉडल तो बन गया, अब इसमें ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रुका हुआ तो नहीं रह सकता ऑर्बिट में, जैसे प्लैनेट घूमता है वैसे ये भी घूम रहा है। किसी और साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि पहली बात देखो, पहली बात कि अगर कोई बॉडी सर्क्यूलर मोशन में है, वो सर्कल पर घूम रही है, इसका मतलब हर वक्त एवरी टाइम उसकी जो डायरेक्शन है, घूमने की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है एट एवरी टाइम, है ना, द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आप उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बुला सकते, आपको उसको क्या बुलाना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड मोशन। द सर्क्यूलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक बात तो ये समझ आई। और दूसरी बात उन साइंटिस्ट को ये समझ में आई कि हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो लगातार एनर्जी बाहर फेंकता रहता है, वो एनर्जी को लगातार एमिट करता रहता है, ठीक है। ये दो बातें जब समझ में आई तो उन्होंने रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, हां जी घूम रहा है, यानी तुम मानते हो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल है, देखो ये गोल गोल घूम रहा है प्लैनेट की तरह, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज्ड बॉडी है अगर वो सर्क्यूलर मोशन जो कि एक्सेलरेटेड है अगर वो इसमें घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार लगातार एनर्जी फेंकते जा रहा है, लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है, और जब ये लगातार एनर्जी एमिट करता रहेगा तो इसकी अपनी एनर्जी धीरे 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 कम होगी, जब इसकी अपनी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी तो ये इस ऑर्बिट में तो मेंटेन्ड नहीं रहेगा, फिर ये छोटा ऑर्बिट लेगा, यहां इसकी एनर्जी कम होने लगी तो ये और छोटा ऑर्बिट लेगा, एनर्जी कम होने लगी और छोटा ऑर्बिट, और लेते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, ठीक है।
तो बोले एटॉम का स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, क्योंकि एटम तभी रहेगा जब बीच में न्यूक्लियस, आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, तो उसका एटम स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, है ना। तो आपका ये जो एटम है, रदरफोर्ड को उन्होंने बोला, ये जो आपका एटम है ये बहुत देर तक, देर तो क्या माइक्रोसेकेंड्स में भी ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये तो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है। एटम बहुत करोड़ों साल तक स्टेबल रहते हैं। इतने सालों से, इतने करोड़ों सालों से सन की एनर्जी, प्लैनेट्स, ये सब सब यूनिवर्स बनी रही, तो एटम्स इसका मतलब स्टेबल है। तो ये रीजन, इसका मतलब बताओ हमें, रदरफोर्ड इसको नहीं समझा सके, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि रदरफोर्ड स्पाइरलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस इसको नहीं समझा सके। और दूसरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लाइन स्पेक्ट्रम ये एटम से मिलती है, किसी भी एटम से लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलती है ये भी रदरफोर्ड नहीं समझा सके, ठीक है। अब आपको भी नहीं समझ आएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये दो तरीके होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो हम ये दो, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और फिर हम रदरफोर्ड की गलतियों को दूर करके एक नया मॉडल पढ़ेंगे जो बोर ने दिया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन द नेक्स्ट वीडियो।